वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव एंड आज हमारे पास आपके लिए एक कोट ऑफ द डे के रूप में है, एक बढ़िया सा मैसेज जो हमेशा आपको इंस्पायर करेगा कि आप कभी भी घबराएं ना। ये कोट है आपका, डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। इसमें भी एक ग्रामर ही छिपा है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है डोंट लेट, ये पोर्शन आपका, व्हाट यू कैन नॉट डू यानी जो आप कर नहीं सकते हो, जो आप कर नहीं सकते हो, डोंट लेट उस चीज को, डोंट लेट इंटरफेयर उस चीज को दखल मत देने दो, यानी वो चीज दखल ना दे पाए विद व्हाट उस चीज में यू कैन डू जो आप कर सकते हो। अर्थात ये कोट आपसे कह रहा है बच्चों कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ कर सकते हो ना वो भी आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो वो चीज़ आपके दिमाग में आपके माइंड में हांट कर जाता है, मीन्स घर कर जाता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और इस नहीं कर सकते हो के चक्कर में जो आप कर सकते हो ना वो भी नहीं कर पाते हो। तो कोट के अनुसार आपको चलना ये चाहिए कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स पे हावी न होने दें। खुद से अपने आप से हमेशा कहें कि आई कैन आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। अर्थात नेगेटिविटी को पॉजिटिव थॉट्स पर कभी भी हावी न होने दें। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो चीज़ें कभी आपके लाइफ में दखल न दे पाएं जो चीज़ें आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को जन्म दें, पैदा करें अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें, लोगों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें और खुद के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। अर्थात अपने अंदर से भी पॉजिटिव अप्रोच रखें। सिर्फ पॉजिटिविटी जो होती है वो दिखाने के लिए नहीं होती बच्चों, वो इसलिए भी होती है कि आप अंदर से महसूस करें और चेहरे पे हमेशा एक प्रकार की खुशी हो, वो खुशी जो आपसे कहती हो कि आप हर कार्य करने में क्या है बच्चों, सक्षम है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली चीज हमारे पास क्या है। ये हमारे पास वोकैब का सेक्शन है बच्चों, और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप आज के एडिटोरियल्स में वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। पहला वर्ड है आपका परवर्स। परवर्स मतलब कोई चीज जो इम्प्रॉपर है, इनकरेक्ट है, मीन्स विकृत है, भ्रष्ट है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, हमारे जो रास्ते होते हैं, हमारा जो तरीका होता है वो परवर्स होता है, मीन्स वो तरीका हमारा विकृत होता है, गलत की तरफ ले जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी महिला हो सकती है जो परवर्स है, मीन्स क्या है, वो विकृत हैं, भ्रष्ट हैं, और ऐसे परवर्स लोग सभी लोगों को परवर्स ही बनाने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। तो परवर्स मीन्स जो इम्प्रॉपर है, इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है, विकृत है, भ्रष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन मीन्स टू मेक अ स्टार्ट, मीन्स आरंभ करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य तैयार, आपको कोई कार्य आरंभ करना है, शुरू करना है, तो यू आर गोइंग टू एम्बार्क ऑन योर बिजनेस, यानी आप उस कार्य उस व्यापार को क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उसे आरंभ करने जा रहे हैं, उसे एक स्टार्ट देने जा रहे हैं, कमेंस करने जा रहे हैं, बिगिन करने जा रहे हैं, सेट आउट कर रहे हैं बच्चों। मीन्स एम्बार्क ऑन टू मेक अ स्टार्ट, आरंभ करना। नेक्स्ट वर्ड आपका एग्जेम्पशन। अभी आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे कि फला जगह पे सरकार ने इस तरीके का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, मीन्स आपको एक प्रकार की इम्यूनिटी दी गई है, मीन्स एक सुरक्षा दी गई है, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, आपको एक इम्प्यूनिटी दी गई है, मीन्स एक तरीके की सुरक्षा दी गई है कि अगर आपने कुछ गलत भी किया है तो आप पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ सकता है। दिस इज एग्जेम्पशन, अर्थात इम्यूनिटी, इम्प्यूनिटी, छूट। जैसे मान लीजिए सरकारें हैं जो कोई कार्य करने जा रही, जैसे मान ली हम लेबर लॉस को ले लेते हैं, ठीक है, जो श्रम हमारे कानून है, तो उसमें कई सारे ऐसे कानून हैं जो जो वर्कर्स हैं, मीन्स जो कामगार हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों में कहीं कहीं एग्जेम्पशन ले रही, मीन्स छूट ले ले रही है, ताकि उन कामगारों को, उन वर्कर्स को जो सुविधाएं मिली हैं उनमें कटौती की जा सकती हो। दिस इज एग्जेम्पशन, मीन्स इम्यूनिटी,
इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजंस। प्रोविजंस मीन्स अ स्टेटमेंट इन एन एग्रीमेंट, यानी किसी एग्रीमेंट में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आर अ लॉ, या फिर किसी कानून में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दैट अ पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी डन, कि कोई कार्य किया जाना, कोई विशेष कार्य किया जाना है, ये प्रावधान होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए सरकार जो होती है वो तमाम प्रोविजंस ले आती है, तमाम प्रावधान ले आती है जिनके माध्यमों से वो जनता यानी सिटीजंस का वेलफेयर करती है, उनका कल्याण करती है। तो प्रोविजंस मीन्स प्रावधान। नेक्स्ट वर्ड है अग्रेशन। अग्रेशन मीन्स होता है आक्रामकता, आक्रमण करने की भावना। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों जहां जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के इन कॉन्टैक्ट आते हो और आपको उसके बिहेवियर से ऐसा लगता हो मानो वो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार है, मीन्स आपसे लड़ने के लिए तैयार है, तो वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव है, क्योंकि वो अग्रेशन का शिकार है, मीन्स वो आक्रामकता का शिकार है। तो अग्रेशन मीन्स एंग्री फीलिंग्स, यानी क्रोध से भरी हुई वो भावनाएं, आर बिहेवियर, या क्रोध से भरा वो व्यवहार, दैट मेक यू वांट अटैक अदर पीपल, जिसकी वजह से होता है क्या है कि हम दूसरों पर हमेशा आक्रमण करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं उनसे, क्योंकि हमारे अंदर कौन सी भावना है, क्या चीज हमारे अंदर है, हमारे अंदर अग्रेशन है, मीन्स क्या है, आक्रमण करने की, लड़ने की भावना है। तो अग्रेशन मीन्स आक्रामकता। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्डिनेंस। ध्यान रखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर ये ऑर्डिनेंस में से बीच का आई हटा देंगे आप ना, ये जो आई है यहां पे, तो ये ऑर्डिनेंस हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, आयुध भंडार जो होता है, जहां पे अस्त्र वगैरह शस्त्र वगैरह बनते हैं, ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं। यहां आई जहां पे लगा है उस ऑर्डिनेंस में क्या होता है, एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा रूल जो सरकार के द्वारा बनाया गया हो, जिसकी वजह से वो किसी कानून वगैरह एक्ट वगैरह को पारित करा सकती हो, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। आप जानते हैं सरकारें जब किसी चीज को लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं करा सकती हैं, उनके पास बहुमत की कमी होती है, तो वो उस चीज को पारित कराने के लिए अध्यादेश ले आते हैं, मीन्स ऑर्डिनेंस ले आते हैं, अध्यादेश। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एबॉलिशन। एबॉलिशन क्या होता है, किसी चीज का उन्मूलन। मान लीजिए समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, जो रीति रिवाज, जो प्रथाएं नुकसानदायक हैं, तो उनको हम एबॉलिश करते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनका उन्मूलन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी एबॉलिश से एबॉलिशन नाउन बनाया गया, मीन्स द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ आर सिस्टम। जब आप किसी कानून को, किसी सिस्टम को, व्यवस्था को खत्म करने का कार्य करते हैं, वो भी ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक रूप से, तो यह एक अबॉलिशन है, मीन्स उन्मूलन है। तो अबॉलिशन क्या हो गया, उन्मूलन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रेजियस। बहुत बार कोई चीज आप देखते हैं और देखते ही आपके मन में उस चीज के प्रति एक प्रकार की घृणा, एक प्रकार की कंटेम्प्ट, एक प्रकार का हेट्रेड, मीन्स लोथसम हो जाते हैं आप, मीन्स घृणा से भर जाते हैं, दिस इज एग्रेजियस। वो चीज क्या है बच्चों, एग्रेजियस मीन्स आउटस्टैंडिंग बैड, यानी बहुत अधिक बुरा, शॉकिंग, जिससे आपको बहुत कष्ट हो, देखकर बुरा लगे, धक्का लगे, वो चीज एग्रेजियस होती है। मान लीजिए आप किसी बच्चे के साथ रहते हो और उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो बहुत कंटेम्पचुअस है, मीन्स बहुत बेकार है, खराब है, घृणापूर्ण है, तो बच्चा क्या है बच्चों, एग्रेजियस है वो। नेक्स्ट वर्ड है वेंटिलेशन। ये वर्ड जरूर आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं जो कमरे वगैरह होते हैं उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी वायु संचार प्रॉपर होना चाहिए, यानी वो कमरा क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। वेंटिलेशन की वास्तविक मीनिंग क्या होती है, जो आप घरों में वो देखते हैं ना, रोशनदान वगैरह होता है, तो रोशनदान क्या होता है बच्चों, रोशनदान जो रोशनी के साथ साथ आपको हवा वगैरह का संचार करता है, वो आपका वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेट से बना है, वेंटिलेटर भी इसी से बना, याद करें, जिस पर आदमी को ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन, मीन्स द मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर, यानी मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर, जहां ताजी हवा आती जाती हो अराउंड अ क्लोज्ड स्पेस, कहां पर, एक बंद जगह पे जो हवा का माध्यम होता है, संचार होता है, दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। नेक्स्ट वर्ड बच्चों कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट आप जानते हैं, तिरस्कार को कहते हैं, जब आप किसी की अवज्ञा करते हैं
तो आप उसका कंटेम्प्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कोर्ट कहती है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कोर्ट की अवज्ञा नहीं कर सकते, कोर्ट का तिरस्कार नहीं कर सकते, यानी उसने जो कहा है, जो नियम कानून उसने बनाए हैं, आप उन्हें चुनौती नहीं दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट, मीन्स द फीलिंग, एक ऐसी भावना दैट समबडी डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। जब आपके मन में ये आ जाए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो रिस्पेक्ट का पात्र नहीं, आदर का पात्र नहीं है, आप उसका तिरस्कार करने लगते हैं, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्या आ जाता है, कंटेम्प्ट आ जाता है, मीन्स तिरस्कार या अवज्ञा, अनादर की भावना आ जाती है। और लास्ट वर्ड है डाइल्यूशन। आप समझ, डाइल्यूट से बना है, डाइल्यूट क्या होता है वास्तव में बच्चों, पतला करना, किसी चीज को हल्का करते जाना। तो बहुत बार ऐसा होता है सरकारें क्या करती हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं उनकी जो सीवियरिटी होती है उसको हल्का कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, अर्थात उसे कमजोर कर देते हैं कहीं ले जा करके। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उस अपराधी ने कोई क्राइम किया और फिर वो थाने पर गया और थाने पर जो धारा उस पर लगनी चाहिए थी वो धारा न लगा करके एक हल्की सी धारा लगा दी गई, तो उस केस को क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया, मीन्स उसे कमजोर कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, मीन्स हल्के, हल्का करने का कार्य। नाउन के रूप में है बच्चों, ये वर्ब लिखा है लेकिन आप नाउन के रूप में, हल्का करने का कार्य या कमजोर करने का कार्य, वर्ब का रूप इसका डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो ये 11 वर्ड्स हमारे पास जो मेन हमारे हैं वो हमने पढ़े, आगे और भी मिलेंगे, ये मेन वर्ड्स ये थे जो मैंने यहाँ पे आपको दिए। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा परवर्ष, जब कोई विकृत हो, भ्रष्ट हो, इमतापर या इनकरेक्ट हो वो परवर्ष होता है। दूसरा वर्ड आपने पढ़ा एम्बार्क, एम्बार्क मीन्स आरंभ करना, शुरू करना, किसी यात्रा को, किसी कार्य को जब आप शुरू करते हैं तो आप एम्बार्क करते हैं। तीसरा आपने वर्ड पढ़ा एग्जेम्पशन, मीन्स कोई एग्जीक्यूशन, सॉरी कोई एक्सक्लूजन, मीन्स जब आपको कोई छूट दे दी जाए, कोई रियायत दे दी जाए, कोई इम्यूनिटी प्रदान कर दी जाए, इम्प्यूनिटी प्रदान कर दी जाए, तो वो एग्जेम्पशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा प्रोविजन, मीन्स कोई प्रावधान, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी एग्रीमेंट या लॉ में होता है किसी कार्य को करने के लिए, वो एक प्रोविजन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा बच्चों अग्रेशन, अग्रेशन मीन्स जब किसी व्यक्ति के अंदर आक्रामकता हो, आक्रमण करने की भावना हो, तो वह अग्रेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा जो अक्सर आप सुनते होंगे ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश, मीन्स कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा रूल जो सरकार ने किसी एक्ट वगैरह को पारित करने के लिए ले आया हो, वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। एबॉलिशन मीन्स जब हम समाज से किसी खराब रीति रिवाज वगैरह को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका उन्मूलन करने की कोशिश करते हैं, वो एबॉलिशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा एग्रेजियस, एग्रेजियस मीन्स घृणित, जो बहुत अधिक बुरा हो, मीन्स ऑब्नॉक्सस हो, वो एग्रेजियस होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा वेंटिलेशन, मीन्स वायु संचार, अर्थात एक तरह से जो हवा वगैरह आने जाने का संचार होता है वो वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा कंटेम्प्ट, मीन्स किसी के प्रति जब आपके मन में अनादर की भावना हो, तिरस्कार या अवज्ञा की भावना हो, तो आपके मन में कंटेम्प्ट है, मीन्स तिरस्कार है। और लास्ट वर्ड हमने पढ़ा डाइल्यूशन, मीन्स हल्का करना, कमजोर करना। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप जानते हैं क्या होगी, आपकी जो हेडलाइंस हैं आज की वो उनमें दी गई हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा हेडलाइंस मैं वर्ड पावर से पहले कर दूँ और एडिटोरियल से पहले कर दूँ, ताकि ये चीज़ें और भी आपको याद रहें। चलिए आज की हेडलाइंस में पहली हेडलाइन थी आपकी द हिंदू की 103 डेथ्स, 3,390 न्यू केसेस इन अ डे, यानी एक दिन में 103 लोगों की मौत हुई और 3,390 नए केसेस आए और रिकवरी रेट हिट्स 29.36%, यानी ये पॉजिटिव है आपका कि 100 में से 30 लोग क्या होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं, रिकवर करते जा रहे हैं। तो ये आपकी पहली हेडिंग जो बच्चों, जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव इस सेंस में है कि 3,390 नए केसेस आए, लेकिन अगर आप अन्य देशों के स्पेशली अमेरिका वगैरह की कंपैरिजन आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर अभी बहुत अधिक कहीं कहीं कंटेनमेंट का कार्य चल रहा है, कहीं कहीं चीज़ें इन कंट्रोल है आपके। नेक्स्ट हेडिंग थे आपके 16 MP माइग्रेंट्स रन ओवर बाई ट्रेन नियर औरंगाबाद, यहाँ औरंगाबाद रहेगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपको बताया गया कि 15 जो माइग्रेंट्स थे, मीन्स एमपी के, मध्य प्रदेश के माइग्रेंट्स थे, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद वहाँ पे है, औरंगाबाद में रन ओवर कर गए, मीन्स कुचल कर क्या हो गए बच्चों, मर गए। तो एक वर्ड भी आपने जाना यहाँ पे, रन ओवर, रन ओवर मीन्स कुचल जाना, कुचल करके
मर्जन ट्रेन के नीचे आ गए वो बेचारे और उनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट और यू कैन से अनटाइमली डेथ हो गई। तो ये आपकी दूसरी खबर आपकी थी जो दुखदायी है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग थी चिल्ड्रेन नीड लैपटॉप्स टू एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आप जान रहे हैं इस समय जो बहुत सारी कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं वो कर क्या रहे हैं, उनको पता है कि स्पेशली मैं छोटे बच्चों के कॉलेजों की बात करूंगा जो नर्सरी वगैरह फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह बच्चे होते हैं, उन बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आप इमेजिन करिए बच्चों कि वो छोटे छोटे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस कैसे समझ पाएंगे। लेकिन ये स्कूल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी पड़ी है, क्योंकि ये अगर नहीं चलाएंगे तो इनका भी जो है कहीं कहीं जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कहीं क्राइसिस की तरफ जाएगा। तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि चिल्ड्रेन नीड लैपटॉप, यहाँ देखिए चिल्ड्रेन प्लूरल था तो यहाँ नीड फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की गई आपकी, यानी बच्चों को जरूरत है आवश्यकता है लैपटॉप्स की टू एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस, ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सरकार से। नेक्स्ट आपकी हेडिंग थी बच्चों फोर्थ आवर फाइट इज अगेंस्ट अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया किन ऑफ द डेड टीन। एक्चुअली 4 मई को एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कह सकते हैं हो गया कि इंसिडेंट हो गया बच्चों कि एक किशोर एक टीन जो था उसको इंस्टाग्राम के थ्रू एक खबर मिली कि एक लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन का यानी छेड़खानी का आरोप लगाया है। और वो उस लड़की ने इंस्टाग्राम पे कहा कि 3 साल पहले उस लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की थी। और फिर धीरे धीरे ट्रोलर्स ने उस बच्चे को उस लड़के को बहुत एक ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके मतलब एक तरह से कही उसके शिकायत करना शुरू कर दिया, उसके बारे में गलत चीज़ें बोलने लगे और कुछ ही मिनटों के अंदर उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया बच्चों। तो ये कहाँ से हुआ, इंस्टाग्राम से। तो उस किन का मतलब उस टीन का एक किन मीन्स रिलेटिव मीन्स कजिन था, उन्होंने कहा कि आवर फाइट इज अगेंस्ट अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया, यानी हमारी लड़ाई उस लड़की से नहीं है जिसने ऐसा किया, हमारी लड़ाई इस अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया से अर्थात अनियंत्रित सोशल मीडिया से जिसके द्वारा हम कुछ भी कर लेते हैं कुछ भी कह देते हैं और जिसका परिणाम जो होता है वो बहुत भयानक होता है। ये हमारी फोर्थ हेडिंग थी। और आप भी सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों आप देखते होंगे बहुत कचरा भरा है, अच्छी चीज़ों को लीजिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे र्यूमर्स होते हैं गलत खबरें होती हैं। आप न्यूज़ हंट जैसे ही न्यूज़पेपर्स की जो साइट्स हैं आप पढ़ेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लिख करके आता है मोदी जी ने आज ऐसा कर दिया, अब पाकिस्तान की सेना पे आक्रमण कर दिया, और हम आप सुन करके जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होंगे ना वो पागल हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया। तो डोंट बिलीव इन फैक्ट, आप उन पर बहुत भरोसा न करें। फिफ्थ हेडिंग थी आपकी टेक बैक चेंजेस इन लेबर लॉज। संयोग से जो यूपी में सरकार ने लेबर लॉज लागू की उनमें कहीं कहीं उन्होंने जो वर्कर्स थे उनके अधिकारों की कह सकते हैं कटौती की है। तो प्रियंका वाड्रा गांधी जी ने कहा है कि सरकार जो है इस लेबर लॉ जो ले आई है उसको क्या कर ले, वापस ले ले, उसे चेंजेस जो उसमें हुए हैं उनको वापस ले ले, टेक बैक वापस ले लेना। और लास्ट हेडलाइन थी आपकी कि लॉकडाउन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, यानी जो लॉकडाउन है वो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। तो है क्या ये, इट इज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग स्टेप, यानी यह एक ऐसा स्टेप है जिसके द्वारा आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को बाध्य कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं था सरकार के पास, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया गया जो थर्ड फेज में अपने हैं। और ऐसा कहना है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमारा कोई हमेशा के लिए नहीं है, यह सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जिसके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाना है, और जैसे ही ये चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी वैसे लॉकडाउन हटा लिया जाएगा। ये हमारी हेडिंग्स थी बच्चों, आप जरूर अपनी राय देते रहें, जो चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी हो वो जरूर सुधार करने के लिए बोलें कि सर यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और अपनी जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो भी जरूर बताएं ताकि हम लोगों का भी हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पॉजिटिव जा रहा है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ निश्चित ही आपकी राय को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, और आज शुरू करते हैं एडिटोरियल ऑफ टुडे, जिसमें आपका एक महत्वपूर्ण मैटर है contempt for labor on dilution of labor laws. Contempt for labor, यानी ये कहीं कहीं contempt है, तिरस्कार है for labor, किस चीज के लिए, श्रम के लिए। यानी editorial के जो editor हैं वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं ये श्रम के प्रति सरकार के द्वारा दिखाई गई
अवज्ञा है, तिरस्कार है, यानी एक तरह से घृणा प्रदर्शित की गई श्रम के प्रति। अन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉस, और एडिटोरियल है लेबर लॉस जो सरकारें ले आ रही हैं, स्पेशली जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये जो लेबर लॉस ले आ रही हैं उनमें जो डाइल्यूशन किया जा रहा है, यानी जो वर्कर्स के अधिकार हैं उन अधिकारों को जो हल्का किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उसी पर ये एडिटोरियल है आपका। सेंटर शुड नॉट अलाउ। देखिए जैसे आपने बच्चों शुड नॉट देखा, तुरंत आप समझ गए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटर शुड नॉट अलाउ, यानी केंद्र सरकार को अलाउ नहीं करना चाहिए किस चीज को, एग्जेम्पशंस। जैसे आपने कहा सेंटर को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्या नहीं अलाउ करना चाहिए, एग्जेम्पशंस। तो ये आपकी अलाउ जो होगी एक्शन वर्ब हो जाएगी, और एग्जेम्पशंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेंटर्स शुड नॉट अलाउ एग्जेम्पशंस, यानी केंद्र सरकार को अलाउ नहीं करना चाहिए क्या, एग्जेम्पशंस, रियायतें, छूट, किन चीजों में, फ्रॉम वेलफेयर लॉज, किन चीजों में छूट नहीं देनी चाहिए, वेलफेयर लॉज, यानी जो कल्याणकारी नियम है फॉर वर्कर्स, किनके लिए, कामगारों के लिए, यानी कामगारों के लिए जो कल्याणकारी लॉज हैं, नियम कानून हैं, उनमें छूट नहीं देनी चाहिए, छूट देने के लिए बल्कि कहिए अलाउ नहीं करना चाहिए, किनके द्वारा, मोटेड बाय स्टेट्स, जो एग्जेम्पशंस कौन चाह रहे हैं, कौन विचार कर रहे हैं, स्टेट्स, राज्यों के द्वारा, यानी राज्यों के द्वारा मोटेड जो विचार किया जा रहा है, यानी जो एक तरह से विवादग्रस्त कानून लाया जा रहा है उस पर सरकार को एग्जेम्पशन की छूट नहीं देनी, केंद्र सरकार को एग्जेम्पशन को अलाउ नहीं करना चाहिए कि हाँ वो सरकारें एग्जेम्पशन पा सकती हैं। मैं जानता हूं आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, फिर से देखते हैं, करें सेंटर शुड नॉट अलाउ एग्जेम्पशंस, यानी सरकार को अनुमति नहीं देनी चाहिए, एग्जेम्पशंस, किस चीज की अनुमति नहीं देनी चाहिए, कि छूट प्राप्त की जा सकती हो, फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स, किन चीजों में छूट प्राप्त की जा सकती हो, जो कामगारों के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो कल्याणकारी कानून है, नियम है, यानी वर्कर्स के लिए जो कल्याणकारी कानून है उनमें जो सरकारें एग्जेम्पशंस चाहती हैं, उनमें जो छूट चाहती हैं, उन छूटों को प्राप्त करने के लिए सरकार को, यानी केंद्र सरकार को शुड नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब प्रश्न ये, एग्जेम्पशंस कौन चाहता है, मोटेड बाई स्टेट्स, अर्थात ये सरकारें, राज्य सरकारें हैं जो इन पर विचार कर रही हैं इस विवादग्रस्त मुद्दे पर, इस विवादग्रस्त मुद्दे में जिसमें वो चाहती हैं कि कुछ न कुछ उनको रियायत दी जाए, छूट दी जाए, ताकि कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, नियम कानून हैं मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, उनके जो नियम कानून हैं उनको, कल्याणकारी नियम कानून जो हैं उनको हल्का किया जा सके, अर्थात उन पर प्रेशर और अधिक क्या किया जा सके बच्चों, बढ़ाया जा सके। किन पर प्रेशर बढ़ाया जा सके, वर्कर्स पर, कर्मचारियों पर, मजदूरों पर, कामगारों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम, यहां टाइम बच्चों काउंटेबल नाउन के रूप में है, जब आप एक बीतते हुए समय की बात करते हैं तो यह टाइम जो बीत रहा है बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जैसे आपने ए लगा दिया ना तो एक बार वाला हो जाता है, मीन्स एट अ टाइम, एक ऐसा समय, एक ऐसे बार, इस सेंस में एट अ टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन, जब एवरीवन, आपने पढ़ा था एवरीवन, ईदर, नीदर, एनी, ये सब क्या हम लेते हैं, सिंगुलर में लेते हैं नॉर्मली। तो एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन, जब एवरीवन इज अवेटिंग, ये बहुत बढ़िया रूल है बच्चों, अवेटिंग बहुत बार एग्जाम में आपको दिया गया, एग्जाम में पता है क्या कर देगा आपको, एग्जाम में अवेटिंग के साथ एफ ओ आर फॉर लगा देगा। अवेट मीन्स ही बच्चों होता है वेट फॉर, अवेट मीन्स वेट फॉर, यानी अवेट में वैसे ही आपका फॉर जुड़ा हुआ है जैसे डिस्पाइट में ऑफ जुड़ा होता है, होता है ना, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट होता है, वैसे ही वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है। तो यहां कभी भी अगर अवेट के साथ फॉर लगा हो यहां पर तो समझ जाइएगा गलत है वो। देखें, करें एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन, जब
एवरी वन इज अवेटिंग, हर कोई इंतजार कर रहा है किससे इसका, एन अर्ली एंड, कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, किससे इसके समाप्त हो जाए, वो संकट की समाप्ति हो जाए बच्चों, उस संकट की समाप्ति हो जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी एक ऐसे समय पर जब एवरीवन, जब हर कोई इज अवेटिंग, इंतजार कर रहा है, एन अर्ली एंड टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो संकट आया है, कौन सा संकट बच्चों, कॉज्ड बाय, तुरंत मन में ले आए, कॉज्ड बाय मीन्स विच इज कॉज्ड बाय, यानी जिसका कारण है बाय द ग्लोबल पैंडेमिक, कौन, ये वैश्विक महामारी। अब उल्टा पढ़े बच्चों, यहां से उल्टा पढ़े देखें, यानी ग्लोबल पैंडेमिक इस वैश्विक महामारी के द्वारा उत्पन्न, यानी जो कारण है उत्पन्न, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो हेल्थ क्राइसिस है, इसके अंत का, इसके समाप्त होने का हर कोई इंतजार कर रहा है, जब, यानी कि ऐसे समय पर जब हर कोई चाहता है कि जो हेल्थ के लिए हमारी और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो ये संकट है, जो किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, ग्लोबल पैंडेमिक के द्वारा, मैं इस वैश्विक महामारी के द्वारा, तो एक ऐसे समय पर जब हर कोई ऐसा इंतजार कर रहा है, तो ऐसे समय पर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स बच्चों केवल रुचि ही नहीं होता है, इंटरेस्ट मीन्स हित भी होता है, तो एक ऐसे समय पर जब हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस ग्लोबल पैंडेमिक के द्वारा ये जो क्राइसिस आई है इसका क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी अंत हो जाए, तो ऐसे समय पर द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स, तो ऐसे समय पर उन मजदूरों के जो हित हैं, एंड वर्कर्स, और जो कामगारों के हित हैं, और मैंने कई बार कहा बच्चों, प्रीपोजिशन के जो पहले है वही आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ लेबरर्स या वर्कर्स नहीं होगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या होगा, द इंटरेस्ट, तो इसका फायदा क्या है कि इसी के अनुसार आपको क्या मिलेगी, आपकी वर्ब मिलेगी, देखिए आ रहा गया, ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। तो ऐसे समय पर जब हर कोई चाहता है इस ग्लोबल पैंडेमिक से, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो हेल्थ क्राइसिस है, इसका अंत हो जाए, तो ऐसे समय पर द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स, तो हमारे जो मजदूर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, इनके जो हित हैं, आर वंस अगेन, एक बार पुनः, सेट टू बी सैक्रिफाइस्ड, क्या होने के लिए तैयार हैं बच्चों, सेट टू बी तैयार हैं, क्या होने के लिए तैयार हैं, सैक्रिफाइस्ड, बलिदान होने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए, यानी एक बार फिर से उन मजदूरों के, उन वर्कर्स के हित क्या होने वाले हैं, सैक्रिफाइस, टू बी सैक्रिफाइस्ड मीन्स समाप्त होने वाले हैं, बलिदान के लिए तैयार हैं, अर्थात उनके इंटरेस्ट जो हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, क्यों, आगे देखते हैं। ये बच्चों पैसिव वर्ब देखे, सेट टू बी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बर्बाद कर नहीं रहे, बर्बाद होने वाले हैं, क्या सैक्रिफाइस होने वाले हैं, उन लेबरर्स, उन वर्कर्स के क्या हित, उनके जो हित हैं वो सैक्रिफाइस होने वाले हैं। द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हमारा बिजनेस फिर से रिवाइव कर जाए, अर्थात शुरू हो जाए, हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारी आर्थिक जो गतिविधि है वो फिर से शुरू हो जाए, आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर, कब, जबकि करीब कई सप्ताहों से फोर्स्ड क्लोजर, किससे इसका सामना कर रहे हैं ये दोनों, फोर्स्ड क्लोजर यानी जबरदस्ती लॉकडाउन हुआ, वो ना, क्लोजर मीन्स बंदी, यानी जबरदस्ती का जो सप्ताहों से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो बिजनेस हमारा बंद चल रहा है उसका रिवाइवल, उसका जो रिवाइवल है यानी फिर से उसका शुरू होना है। और मैं फिर कहूंगा बच्चों देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन था ना, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, द रिवाइवल, और ये द रिवाइवल के देखिए वर्ब यहां इज आ जाएगी, ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना सीखें आप, फिर से देखें, करें द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक साथ हो जाएगा, यानी हमारे व्यापार की और हमारी जो आर्थिक गतिविधि की शुरुआत है, रिवाइवल है, आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स क्लोजर, कब, यानी सप्ताहों की जबरदस्ती की बंदी के बाद,
नहीं, सप्ताहों की जबरदस्ती के बंदी के बाद हमारा बिजनेस और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसकी शुरुआत जो है इज इंडीड, वो वास्तव में है क्या है, अ की ऑब्जेक्टिव, एक मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य लक्ष्य, टू बी अचीव्ड, जिसे क्या किया जाना है बच्चों, प्राप्त किया जाना। यानी सही लेखक कह रहे हैं कि द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर, यानी सही है कि सप्ताहों की जबरदस्ती की बंदी के बाद जो हमारी बिजनेस की शुरुआत होनी है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत होनी है, इज इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव, वास्तव में हमारा मुख्य उद्देश्य है, टू बी अचीव्ड, जिस उद्देश्य को हमें क्या करना है, प्राप्त करना था, जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। लेकिन कह रहे हैं हाउएवर, जो भी हो, जब भी कॉमा के बीच में हाउएवर हो बच्चों तो उसका मतलब जो भी हो इट इज अमॉरल, अमॉरल मींस विदाउट मॉरल, अनैतिकता, तो इट इज अमॉरल, जो भी हो यह अनैतिकता है, एंड परवर्स, और क्या है ये, विकृत है, ऑन द पार्ट ऑफ मींस की तरफ से, यानी की तरफ से, किनकी तरफ से, सम स्टेट्स, यानी एक तरफ ये सही है कि हमारा की ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हमारा की ऑब्जेक्टिव है कि हमारा बिजनेस शुरू होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं जो भी हो इट इज अमॉरल एंड परवर्स, यानी यह कहीं कहीं अनैतिक है, ये भ्रष्ट है, ऑन द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, कुछ राज्यों की तरफ से, क्या, टू एड्रेस दिस नीड, कि वो इस आवश्यकता का समाधान निकालना चाहते हैं, वो इस आवश्यकता का समाधान निकालना चाहते हैं, कौन सी आवश्यकता बच्चों, ये बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल, उसकी शुरुआत, तो वो इस आवश्यकता की शुरुआत, इस आवश्यकता का समाधान निकालना चाहते हो बाई ग्रांटिंग, क्या प्राप्त करके, क्या स्वीकृत करा करके, स्वीपिंग एग्जेम्पशंस मींस पूरी तरह से छूट प्राप्त करके, फ्रॉम लीगल प्रोविजंस, किन चीजों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं ये स्टेट्स, कानूनी प्रावधानों से, यानी ये स्टेट्स जो हैं इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या चाहते हैं, कि उन्हें कानूनी प्रावधानों से स्वीपिंग एग्जेम्पशंस पूरी तरह से छूट जो है ग्रांट कर दी जाए, मीन्स क्या कर दी जाए, स्वीकृत कर दी जाए, एम्ड एट, कौन से प्रावधान बच्चों, एम्ड एट, ध्यान रखिए बच्चों, एम्ड एट, एम के साथ एट, जिन प्रावधानों का उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग, कि वो सुरक्षा करें, रक्षा करें लेबरर्स, किनको, उन मजदूरों की, एंड एम्प्लाइज, उन कर्मचारियों की, इन फैक्ट्री, जो कर्मचारी जो मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज में यानी कारखानों में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज उद्योगों में काम करते हैं, एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में बच्चों प्रतिष्ठान, संस्थान जो अन्य प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, उल्टा पढ़ दें बच्चों इसे, देखें ज्यादा समझ आ जाएगा आपको, यानी जो प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, अन्य प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन एम्प्लाइज और उन मजदूरों, यानी उन कर्मचारियों और उन मजदूरों को प्रोटेक्ट करने का जो उद्देश्य है, जिसका उन प्रावधानों, उन कानूनी प्रावधानों में कुछ सरकारें क्या चाहती हैं बच्चों, पूरी तरह से छूट स्वीकृत कराना चाहती हैं, ताकि वो इस आवश्यकता का समाधान निकाल सकें, कौन सी आवश्यकता बच्चों, याद हो गया कि बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए, शुरू किया जाए, ठीक है, यानी वो चाहते हैं कि उन्हें जो कानूनी प्रावधान है, जिनका उद्देश्य क्या है बच्चों, उन लेबरर्स और इम्प्लाइज को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, ऐसे कानूनी प्रावधानों में सरकारें चाहती उन्हें क्या दे दी जाए, छूट दे दी जाए, अर्थात चाहती कि उन प्रावधानों में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। करें मध्य प्रदेश हैज इम्बार्कड ऑन, याद हो गया बच्चों, इम्बार्कड ऑन, शुरुआत करना, आरंभ करना, नहीं, मध्य प्रदेश ने इम्बार्कड ऑन अ प्लान, यानी एक योजना की शुरुआत की है, टू गिव अ, जब भी प्लान का प्रयोग करें बच्चों तो उसके साथ इन्फिनिटिव लें, जैसे ही हैज अ प्लान टू बिगिन दिस जर्नी, ठीक है, ऐसे, तो मध्य प्रदेश हैज अ इम्बा, हैज के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
तो हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आए तो या है चुका है वाला सेंस लेना चाहिए। तो मध्य प्रदेश हैज एम्बार्कड ऑन अ प्लान, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है टू गिव अ बूस्ट, ताकि टू गिव अ बूस्ट क्या करने के लिए बच्चों, एक तेजी ले आने के लिए, धार देने के लिए, ताकत देने के लिए, किसमें, टू बिजनेस व्यापार में एंड इंडस्ट्री, और किसमें धार देने के लिए, किसमें तेजी ले आने के लिए, इंडस्ट्री उद्योग में तेजी ले आने के लिए। और वो योजना क्या है उनके बच्चों, कैसे वो धार देना चाहते हैं, कैसे वो इंडस्ट्री और बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं, बाई अलाउविंग यूनिट्स टू बी ऑपरेटेड विदाउट मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। वो ये चाहते हैं कि बाई अलाउविंग, यानी वो ऐसे यूनिट्स को अलाउविंग करें या अलाउ कराना चाहते हैं वो, टू बी ऑपरेटेड, जो यूनिट्स ऑपरेट की जाएं विदाउट मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, कई सारी जरूरतों के बिना, ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, जो जरूरतें कहां लिखी हुई हैं, कहां निहित हैं बच्चों, फैक्ट्रीज एक्ट में। फिर से देखें, करें मध्य प्रदेश हैज एम्बार्क्ड ऑन अ प्लान, मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरुआत की है, योजना की शुरुआत की है टू गिव अ बूस्ट, ताकि वो ताकत दे सकें और तेजी ले आ सकें, टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री, किसको प्रेरित कर सकें बच्चों, किसमें ताकत दे सकें वो, बिजनेस और इंडस्ट्री को, ठीक है। बाई अलाउविंग, क्या अलाउ करके, यूनिट्स टू बी ऑपरेटेड, ऐसी यूनिट्स को अलाउ करके उन्होंने ऐसा किया है, टू बी ऑपरेटेड, जिन्हें चलाया जा सकता हो विदाउट मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, यानी फैक्ट्रीज एक्ट में जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके बिना भी वो यूनिट्स को क्या कराना चाहते हैं बच्चों, ऑपरेट कराना चाहते हैं, यानी वो यूनिट्स काम करें, और कैसे काम करें, फैक्ट्रीज एक्ट में जो कई सारी आवश्यकताओं का विवरण है, उनका लेखा जोखा है, उनके बिना ही वो चाहते हैं वो यूनिट्स जो हैं टू बी ऑपरेटेड, क्या करें, वो अपना ऑपरेशन चलाएं, अपना कार्य करें। कैसे बच्चों, देखें क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से वो कार्य कराना चाहते हैं लोगों से। वर्किंग आवर्स मे एक्सटेंड टू 12 आवर्स, वो चाहते हैं कि अब उन मजदूरों का जो वर्किंग आवर्स यानी काम करने का समय है वो बढ़ा सकते हैं, कितने, 8 घंटे से 12 घंटे, है ना बच्चों, इंस्टेड ऑफ 8, यानी 8 घंटों से बढ़ाकर उन मजदूरों का काम कितना कर दिया जाए बच्चों, 12 घंटे कर दिया जाए। एंड वीकली ड्यूटी, और जो उनकी साप्ताहिक उनका जो कार्य है, जिम्मेदारी है, अप टू मीन्स तक होता है बच्चों, अप टू 72 आवर्स, वो कब तक हो जाए उनकी, 72 घंटों की। जैसे ही हैज टेकन एजुकेशन अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो अप टू मीन्स तक होता है, यानी वो चाहते हैं कि मजदूर जो बेचारे हैं वो दिन में 12 घंटा काम करें 8 घंटे के बजाय, और सप्ताह में कितने घंटे काम करें वो, 72 घंटे काम करें 56 घंटों के बजाय, यही होगा ना बच्चों, सोच के देखें, बल्कि और कम, 42 घंटों के बजाय कह सकते हैं। देखें, गोइंग बाई चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान्स रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन्स टिप्पणियां, ठीक है, और गो बाय मीन्स फॉलो करना, अनुसरण करना, या किसी चीज पर अपनी राय रखना, यानी अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिमार्क्स की बात करें, यानी उनकी टिप्पणियों की बात, उनकी जो उन्होंने कहा है उस पर बात करें, तो इट अपीयर्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि द स्टेट के जो राज्य है, हैज यूज्ड, उसने उपयोग किया है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, यानी वो जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, फैक्ट्रीज एक्ट मजदूरों के लिए, उस एक्ट में जो एक्ट सेक्शन 5 है उस एक्ट का, उसी एक्ट का मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, उपयोग किया है। विच परमिट्स, जो अनुमति देता है बच्चों, विच किसके लिए था, देखे एक्ट के लिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन विच हो गया, तो विच सिंगुलर यूज किया गया क्योंकि एक्ट सिंगुलर था यहां पे आपका, तो जो एक्ट परमिट देता, अनुमति देता है, एग्जेम्पशन, किस चीज का अनुमति देता है बच्चों, छूट प्राप्त करने के, फ्रॉम इट्स प्रोविजंस, किन से, इसके प्रावधानों से, फॉर 3 मंथ्स, और कितने महीनों तक आप छूट प्राप्त कर सकते हैं,
तीन महीनों तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये किस में लिखा है बच्चों? सेक्शन 5 में। कहां, कौन से सेक्शन 5 में? उस फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 5 में ऐसा लिखा है। और वो ऐसा चाहते हैं इन द होप, इस आशा में, दैट कि द सेंटर वुड अप्रूव, अप्रूव में सहमत हो जाना, पारित कर देना, कि सेंटर जो केंद्र सरकार है वो सहमत हो जाएगा सच सस्पेंशन, सस्पेंशन किस चीज का बच्चों? वो जो अधिकारों में कटौती की बात है, कि इस प्रकार की सस्पेंशन के लिए, कटौती के लिए सेंटर मान जाएगा फॉर एट लीस्ट 1000 days, कम से कम कितने दिनों तक? 1000 days बच्चों, 1000 दिनों तक, मतलब समझ रहे हैं, करीब कितना हो गया आपका, 3 साल तक। ऐसी अपेक्षा मध्य प्रदेश सरकार को है कि सेंटर जो केंद्र सरकार है वो 3 सालों तक इन अधिकारों की कटौती के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। कौन से अधिकारों बच्चों? जो अधिकार फैक्ट्रीज एक्ट में किन के लिए हैं बच्चों? उन मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए। आगे देखते हैं बच्चों। हाउएवर, याद हो गया हाउएवर, जो भी हो, दिस एग्जेम्पशन, ये जो छूट है बच्चों, कैन बी गिवन, पैसिव एक्शन, यानी एग्जेम्पशन नहीं देगा बच्चों, एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, यानी छूट दी जा सकती है, ओनली, केवल, कब दी जा सकती है? ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी, जब ऐसे हालात हों जहां पे पब्लिक इमरजेंसी हो, डिफाइंड, जिसे परिभाषित किया गया हो, इन अ लिमिटेड वे, एक सीमित तरीके से, एज अ थ्रेट, यानी जिस इमरजेंसी को आप ही परिभाषित कर सकते हो संक्षिप्त में, कि यह इमरजेंसी एक थ्रेट के रूप में, यानी एक कहीं कहीं हमले के रूप में है, एक चुनौती के रूप में है, जो चुनौती किसके लिए है? टू सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा के लिए, ड्यू टू वार, वो चुनौती किसकी वजह से है? ड्यू टू वार, यानी आक्रमण के कारण, आर एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर कहीं कहीं बाहरी अग्रेशन के कारण, आक्रामकता के कारण। यानी ये लेखक कह रहे हैं, एडिटर जो है वो कह रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है मध्य प्रदेश की, कि वो 3 महीने तक फैक्ट्रीज एक्ट में जो सेक्शन मतलब हैं वो मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर दी जाए, और ये वो सेक्शन 5 के थ्रू ऐसा परमिट चाहते हैं कि उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाए, और इस एग्जेम्पशन को सरकार भी स्वीकार कर लेगी कि हाँ ठीक, उनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है, और ये करीब कितने तक की जा सकती है? 1000 days। लेकिन लेखक कह रहे हैं दिस एग्जेम्पशन कैन बी गिवन, ये छूट दी जा सकती है, सही है, दी जा सकती, ऐसा नहीं नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है, लेकिन कब? वनली, केवल तभी, ड्यूरिंग और रिपब्लिक इमरजेंसी, जब कोई ऐसे हालात हो बच्चों, जो इमरजेंसी के हालात हो, डिफाइंड इन अ लिमिटेड वे, जिसे आप इस तरीके संक्षेप में परिभाषित कर सकते हो कि एज अ थ्रेट। ध्यान से देखे बच्चों, डिफाइंड के साथ किस चीज का प्रयोग किया गया? एज का। जब भी डिफाइन का प्रयोग हो, डिस्कस का प्रयोग हो, पोल्ट्री का प्रयोग हो, व्यू का प्रयोग हो, मेंशन का प्रयोग हो, टर्म का प्रयोग हो, रिगार्ड का प्रयोग हो, तो जिस रूप में उस चीज को आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए एज का प्रयोग करें। तो उस इमरजेंसी को किस रूप में माना जाए? एक थ्रेट के रूप में माना जाए, टू सिक्योरिटी, जो चुनौती किसके लिए हो? हमारी सुरक्षा के लिए हो, ड्यू टू वार, कब? किसी युद्ध के कारण, आर एक्सटर्नल अग्रेशन, या किसी बाहरी आक्रामकता के कारण, जैसे चीन कभी कभी आप में वायलेशन करता है ना सीमा वगैरह पे, तो ये सब हालात हो तब आप उस एक्ट में एग्जेम्पशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन इन हालातों में जब ये एक्सटर्नल अग्रेशन का हालात हो, या फिर वार यानी युद्ध का हालात हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए क्या हो? एक प्रकार का खतरा हो, एक प्रकार की चुनौती हो। थ्रेट मीन्स खतरा, चुनौती। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। करें, उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस, समझ रहे होंगे बच्चों, हैज अप्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी उत्तर प्रदेश ने अप्रूव्ड, यानी एक तरह से अप्रूव कर दिया, पारित कर दिया है, एन ऑर्डिनेंस, याद हो गया ना, एक अध्यादेश पारित कर दिया है, सस्पेंडिंग फॉर 3 years, वो भी 3 सालों तक सस्पेंड करने का, क्या सस्पेंड करने के बच्चों? ऑल लेबर लॉज, सभी श्रम कानूनों, यानी उत्तर प्रदेश ने क्या किया, सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर दिया कि जो लेबर लॉज हैं, श्रम के कानून हैं, 3 सालों तक
वो सारे कानून क्या रहेंगे बच्चों, सस्पेंड रहेंगे, मीन्स क्या रहेंगे, निलंबित रहेंगे। सेव, ये बढ़िया रूल है बच्चों, सेव मीन्स के सिवाय, को छोड़कर, किन चीजों को छोड़कर के बच्चों, यानी क्या चीजें हैं जो सस्पेंड नहीं होंगी, अ फ्यू वंस, कुछ ऐसे लाज सस्पेंड नहीं होंगे रिलेटिंग टू द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, यानी आप जो बाल श्रम है और जो बंधुआ मजदूरी है इसमें जो कानून है वो सस्पेंड नहीं होगा। और क्या सस्पेंड नहीं होगा, वीमेन एम्प्लाइज, जो औरतें हैं जो एम्प्लाइज के रूप में कर्मचारियों के रूप में, उन पर जो कानून है वो भी सस्पेंड नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो निर्माण कार्य से संबंधित वर्कर्स हैं उन पर भी सस्पेंशन लागू नहीं होगा। एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, और जो दिहाड़ी पर पेमेंट लेते हैं, दिहाड़ी पर अपनी सैलरी या मजदूरी लेते हैं, उन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। बिसाइड्स, इनके अलावा, किनके अलावा, कंपेंसेशन टू वर्कमैन, उन वर्कमैन को यानी मजदूरों को कंपेंसेशन दिया जाएगा, यानी राहत दी जाएगी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी फॉर एक्सीडेंट्स, कब, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है वाइल ऑन ड्यूटी, जब कहां हो वो, काम पर हो यानी ड्यूटी पर हो। यानी ध्यान से अगर समझेंगे तो एक चीज समझ जाएंगे बच्चों आप, यानी उत्तर प्रदेश ने क्या किया, 3 साल तक सभी प्रकार के श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ दिया। इन चीजों को छोड़ दिया, किन चीजों बच्चों, कुछ एक चीजें छोड़ गई क्या, रिलेटिंग टू द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, यानी ये जो लेबर लॉज हैं जो बाल श्रम के हैं, बंधुआ मजदूरी के हैं, इन पर, इनके उन्मूलन का जो कानून है वो बने रहेंगे। वीमेन एम्प्लाइज, जो कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं उन पर जो कानून है वो भी लागू रहेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, जो निर्माण कार्य में लगे हुए कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, और जो दिहाड़ी पर, वेजेस पर, मजदूरी पर, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, उन पर भी कानून बना रहेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, किसके अलावा, कंपेंसेशन टू वर्कमैन, यानी उन कर्मचारियों को भी, वर्कमैन मजदूरों को भी राहत मिलती रहेगी, यानी क्षतिपूर्ति मिलती रहेगी फॉर एक्सीडेंट्स, यदि उनका एक्सीडेंट्स हो जाता है वाइल ऑन ड्यूटी, कब, कार्य करते समय, ड्यूटी के दौरान। ये बेहतर चीजें बच्चों अगर समझ सकते हैं तो। रिपोर्ट्स सजेस्ट, यानी जो रिपोर्ट्स, खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है दैट की, देखिए रिपोर्ट्स प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल ले ली गई। रिपोर्ट्स सजेस्ट, यानी रिपोर्ट से पता चलता है दैट की सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे राज्य आर फॉलोइंग, अनुसरण कर रहे हैं देयर एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल का, किनके एग्जाम्पल बच्चों, देयर क्यों लगाया गया, क्योंकि यहां 2 सरकारों की बात है, कौन, उत्तर प्रदेश, और ऊपर आपने पढ़ा मध्य प्रदेश, तो और भी सरकारें इनके एग्जाम्पल, उदाहरण का अनुकरण कर रही हैं। इन द नेम ऑफ, किस नाम पर, ऑफ बूस्टिंग, देखिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाना तो बूस्ट में आईएनजी जोड़ देगा, यानी किस नाम पर वो इस एग्जाम्पल को फॉलो कर रही हैं बच्चों, कि ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इस तरीके से वो आर्थिक गतिविधि को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी, वो बूस्ट करेंगी, उसमें तेजी ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करें चेंजेस इन द मैनर, यानी उन तरीकों में बदलाव, इन विच, जो तरीके जिनमें लेबर लॉज ऑपरेट, जिनमें वो श्रम के कानून कार्य करते हैं, ऑपरेट होते हैं, संचालित होते हैं, इन अ स्टेट, एक राज्य में। अब पता है बच्चों मे किसके लिए है, ये मे है बच्चों चेंजेस के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए अभी वर्ब नहीं आई, ये यहाँ पे नाउन है बच्चों ना, चेंजेस में बदलाव, बदलाव किन चीजों में, इन द मैनर, उन, उस तरीके में, इन विच, जिस तरीके से लेबर लॉज ऑपरेट, ये श्रम के कानून संचालित होते हैं इन स्टेट, यानी एक राज्य में जिस तरीके से लेबर लॉज ऑपरेट होते हैं उस तरीके में बदलाव में, अब देखिए वर्ब आई में रिक्वायर, उस बदलाव को जरूरत पड़ सकती है किस चीज की, द सेंटर्स असेंट, यानी केंद्र सरकार की मंजूरी के, असेंट मीन्स मंजूरी, सहमति, यानी उन जो बदलाव करना चाहती हैं ये सरकारें, राज्य सरकारें, उनमें बदलाव को आप करने के लिए, ले आने के लिए उन्हें केंद्र सरकार के क्या चाहिए बच्चों, असेंट चाहिए, असेंट मीन्स सहमति, मंजूरी, तो डिसेंट मीन्स असहमति, यही होती है ना। चलिए, वन होप्स, वन यहां इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी हर किसी को ये आशा हो सकती है कि द सेंटर, कि जो केंद्र सरकार है
विच किसके लिए बच्चों, द सेंटर के लिए, यानी केंद्र सरकार विच इज परसुइंग, परसुइंग मीन्स लक्ष्य रखना बच्चों, यानी जो लक्ष्य रख रही है किससे इसका, अ लेबर रिफॉर्म एजेंडा, कि हम श्रम जो है हमारा है, श्रम जो है रिफॉर्म एजेंडा, यानी कहीं कहीं सरकार का एक एजेंडा है, यानी उसकी सूची में शामिल है क्या, लेबर रिफॉर्म, कि हमें श्रम कानूनों में क्या करना है, श्रम मजदूरों के लिए सुधार करना है, यानी एक व्यक्ति ये अपेक्षा कर सकता है, आशा कर सकता है कि केंद्र सरकार, कौन से केंद्र सरकार बच्चों, विच इज परसुइंग अ लेबर रिफॉर्म एजेंडा, जो लेबर रिफॉर्म एजेंडा को अपना लक्ष्य रख के चल रही है, और कैसे वो लेबर रिफॉर्म एजेंडा ले आना चाह रही है, थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स, ताकि कुछ मजबूत नियम बनाए जाएं, नियम कायदे कानून बनाए जाएं फॉर वेजेस, उन लेबरर्स के लिए वेजेस, वेजेस मीन्स तनख्वाह, मजदूरी, यानी उन मजदूरों की मजदूरी के लिए कुछ मजबूत कायदे कानूनों को, अच्छे कायदे कानूनों को ले आकर के उनके द्वारा सरकार क्या चाहती है, लेबर रिफॉर्म एजेंडा ले आना चाहती, ताकि श्रम कानूनों में परिवर्तन ले जाए, श्रम शक्ति को और मजबूत बनाया जाए, उनको सुधार किया जाए, तो ऐसी सरकार से वन होप्स हम क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों, और भी जोड़ दें, और किस चीज में सरकार अपना रिफॉर्म एजेंडा ले आना चाहती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो औद्योगिक संबंध है उनमें बेहतरी ले आना चाहती है, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और जो व्यावसायिक सुरक्षा है उसमें सुधार ले आना चाहती है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, जो स्वास्थ्य और कार्य करने की अवस्थाएं हैं उनमें सुधार ले आना चाहती है, वुड नॉट, ये वुड नॉट बच्चों पता है कहां से चला था, यहां से चले था, ये द सेंटर से। तो एक ऐसी केंद्र सरकार बच्चों, विच इज परसुइंग अ लेबर रिफॉर्म एजेंडा, जो श्रम कानूनों में, श्रम से संबंधित चीजों में एक एजेंडा लेकर चल रही, किस चीज का एजेंडा बच्चों, सुधार करने का, और सुधार कैसे करना चाहती है बच्चों, थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स फॉर वेजेस, ताकि वो अच्छे मजबूत कानून ले आए, किसके लिए कानून ले आए बच्चों, मजदूरी के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए यानी औद्योगिक संबंधों के लिए, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस और स्वास्थ्य और काम करने की अवस्थाओं के लिए, इन सब चीजों में वो सरकार सुरक्षा लेना ले आना चाहती है, तो ऐसी सरकार से बच्चों, ऐसी सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसी सरकार वुड नॉट रेडली एग्री, वो सरकार तुरंत तैयार नहीं हो जाएगी, एग्री टू है बच्चों, देखे जब हम किसी प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं, कि ऐसी सरकार सहमत नहीं होगी होल सेल एग्जेम्पशंस, पूरी तरह से छूट देने से, फ्रॉम लीगल सेफगार्ड, किस चीज में छूट देने से बच्चों, कानूनी सुरक्षा उपायों में छूट देने से, एंड प्रोटेक्शंस, और सुरक्षाओं में छूट देने से, द लॉ, जिन लीगल सेफगार्ड्स को और प्रोटेक्शंस को द लॉ नाउ अफोर्ड्स, लॉ क्या करता है, अफोर्ड करता है, वहन करता है, या प्रदान करता है टू वर्कर्स, किनको प्रदान करता है, वर्कर्स मीन्स मजदूरों को, कर्मचारियों को, अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कि वो सरकार, वो केंद्र सरकार जो अपना लक्ष्य रख के चल रही है कि वो लेबर रिफॉर्म एजेंडा लेकर चल रही है, कि वो लेबर रिफॉर्म एजेंडा जो है वो कंसोलिडेटेड कोर्स के द्वारा ले आए, अर्थात अच्छे मजबूत कानूनों के द्वारा वो लेबर रिफॉर्म एजेंडा लेकर चल रही, कि हम अच्छे कानून बनाए लेबर रिफॉर्म के लिए, किन चीज संबंधित, वेजेज मजदूरी से संबंधित, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, स्वास्थ्य और काम करने की अवस्थाओं के लिए, कंडीशंस वातावरण के लिए, वो सरकार हम अपेक्षा करते हैं कि वो सरकार वुड नॉट रेडली एग्री, वो सरकार तुरंत सहमत नहीं हो जाएगी टू होलसेल एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शंस, कि जो हमारे कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, जो हमारी सुरक्षाएं हैं, उनमें पूरी तरह से छूट दे दी जाए, इसके लिए वो सरकार तुरंत तैयार नहीं होगी, कौन से प्रोटेक्शंस, द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर्स, जो सुरक्षा उपाय वगैरह कानून उन वर्कर्स को क्या करता है, वहन करता है, प्रदान करता है।
समझ गए होंगे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट लाइनें हैं। देखें, करें द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट, जो सबसे घृणित पहलू है ऑफ द कंट्रीज रिस्पांस, इस देश की प्रतिक्रिया का, यानी इस देश के रिस्पांस का, प्रतिक्रिया का जो सबसे घृणित पहलू है टू द पैंडेमिक, यानी इस महामारी के प्रति, यानी इस महामारी के प्रति इस देश की जो प्रतिक्रिया है उसका जो सबसे घृणित पहलू है वाज, ये वाज किसके लिए बच्चों, द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट के लिए, यानी वो सबसे घृणित पहलू था, क्या था बच्चों, इट्स इनएबिलिटी, इस देश की अक्षमता, टू इनएबिलिटी के साथ बच्चों टू लगाते हैं, इस देश की अक्षमता टू प्रोटेक्ट, कि वो सुरक्षा दे सके द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, सबसे अधिक खतरे में आने वाले सेक्शंस वर्गों को, एंड और इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स, और मजदूरों के सबसे विशाल अंडर क्लास, यानी जो दबा हुआ तबका है उसको सुरक्षा देने में असमर्थता प्रकट किया, एक तरह से असमर्थ रहा कौन, ये देश, फ्रॉम इट्स इंपैक्ट, उस पैंडेमिक के प्रभाव से। मैं समझता हूं बच्चों आप नहीं समझ पाए होंगे, देखें देखें, करें द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट, इस सबसे जो घृणित पहलू रहा ऑफ द कंट्रीज रिस्पांस टू द पैंडेमिक, यानी एक इस महामारी के प्रति इस देश की प्रतिक्रिया का जो सबसे घृणित पहलू रहा वो क्या था, वाज इट्स इनएबिलिटी, कि ये देश अक्षम था टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, कि इस देश में जो सबसे दबा हुआ में सबसे ज्यादा शिकार होने वाला तबका है उसे ये देश क्या नहीं दे सका बच्चों, उसकी सुरक्षा नहीं कर सका, एंड और इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स, और अपने मजदूरों, जो गरीब तबका है मजदूरों का, उसे सुरक्षा नहीं दे सका फ्रॉम इट्स इंपैक्ट, इसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से बच्चों, इस पैंडेमिक के, मीन्स इस महामारी के प्रभाव से, तो यह देश जो है इसे कहीं कहीं इसके प्रभाव से मुक्त नहीं कर सका। द इम्फेसिस, जो जोर है इन द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मीन्स प्रारंभिक चरण में, यानी प्रारंभिक चरण में द इम्फेसिस वाज, ऐसे देखिए सब्जेक्ट बना है ना, इन द इनिशियल फेज नहीं बच्चों, सब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशन के पहले द इम्फेसिस होगा, यही ना, देखें बच्चों, करें द इम्फेसिस इन द इनिशियल फेज, यानी शुरुआती चरण में, प्रारंभिक चरण में जो जोर था, इम्फेसिस था, वाज ऑन डीलिंग विद द हेल्थ, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी बच्चों, वाज ऑन डीलिंग विद द हेल्थ क्राइसिस, वो प्रारंभिक चरण में किस चीज पर जोर दिया गया बच्चों, हेल्थ क्राइसिस से निपटने पर जोर दिया गया, डीलिंग विद निपटने पर जोर दिया गया, इवन वेन, उस समय भी हेल्थ क्राइसिस पर जोर दिया गया बच्चों, वेन द कॉन्सिक्वेंस वाज, जबकि उसका परिणाम था क्या, द क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी क्राइसिस शुरू हो गई, उस समय भी हमने किस चीज पर जोर दिया बच्चों, हेल्थ क्राइसिस को डील करने पर, उससे निपटने पर हमने क्या दिया, जोर दिया, और कब जोर दिया बच्चों, इन द इनिशियल फेज, शुरुआती चरण में, व्हाइल द कंट्री वॉचेस विद हॉरर द कंटिन्यूएंस ऑफ द कलेक्टिव मिजरी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वेल इनटू द थर्ड स्पेल ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, देखें बच्चों, करें व्हाइल, एक तरफ द कंट्री वॉचेस, देश देख रहा है विद हॉरर, भय के साथ, डर के साथ, आतंक के साथ, द कंटिन्यूएंस, की अभी भी जारी है, ऑफ द कलेक्टिव मिजरी, किस, क्या जारी है बच्चों, द कलेक्टिव मिजरी, यानी ये सामूहिक मिजरी, परेशानी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, किनकी, ये जो हमारे कामगार मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, यानी देश देख रहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बच्चों, ये निरंतर कंटिन्यूएंस ऑफ द कलेक्टिव मिजरी, इस सामूहिक दुर्भाग्य को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, वेल इनटू द थर्ड स्पेल, वो भी कब झेल रहे हैं बच्चों, इस तीसरे चरण में भी ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, मीन्स इस राष्ट्रीय लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इस सामूहिक दुर्भाग्य को झेल रहे हैं, जिसे हमारा देश
बड़े भय के साथ, डर के साथ क्या कर रहा है, देख रहा है, अचंभे के साथ देख रहा है कि हाँ ये मजदूर वर्ग कितना परेशान है। तो एक तरफ ये हो रहा है, तो दूसरी तरफ द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास, तो दूसरी तरफ जो हमारा शासक वर्ग यानी सरकारों का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है बच्चों, टूअर्ड्स लेबर यानी किसकी तरफ, मजदूरों की तरफ, रिमेन्स। देखिए बार बार ये चीजें आ रही हैं बच्चों कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द एटीट्यूड किसका, ऑफ रूलिंग क्लास, और ऑफ टूअर्ड्स लेबर के बाद देखिए रिमेन्स है ना, किसके अनुसार है बच्चों, ये एटीट्यूड के अनुसार, ठीक है। तो एक तरफ जब ये देश देख रहा है कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बेचारे, वो इस थर्ड स्पेल में भी कंटिन्यूअंस ऑफ द कलेक्टिव में दुर्भाग्य को झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास, ये जो शासक वर्ग है यानी जो सरकारों का एटीट्यूड है अर्थात उनका जो दृष्टिकोण है टूवर्ड्स लेबर यानी श्रमिकों के प्रति, श्रम के प्रति, रिमेन्स वन ऑफ अटर एपैथी, वो बिल्कुल उदास, पूर्ण उदासीनता का एटीट्यूड है बच्चों, क्या है वो, बिल्कुल उदासीनता का एटीट्यूड है, बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट, जिसको आप किस कगार पे ले आके रख सकते हैं, तिरस्कार की कगार पे बच्चों, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से घृणा की, तिरस्कार की हद तक जा सकता है, क्या उन सरकारों का एटीट्यूड किसके प्रति बच्चों, टूवर्ड्स लेबर, यानी जो लेबर हैं इनके प्रति सरकारों का दृष्टिकोण है अभी भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वन ऑफ अटर एपैथी, बिल्कुल उदासीनता का, इतनी उदासीनता कि हम कह सकते हैं कि उन सरकारों का जो एटीट्यूड है वो उनके प्रति किस से इसका है बच्चों, कंटेंप्ट का, घृणा का, तिरस्कार का, बॉर्डरिंग ऑन, समझ रहे हैं बच्चों, जो चाहिए बिल्कुल नजदीक हो, यानी उनका जो एपैथी है ना वो करीब करीब कहां तक पहुंच गई है, कंटेंप्ट तक पहुंच गई। और ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है लेखक का, व्हाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट रिलीफ, आखिर फिर सरकार को क्यों राहत देनी चाहिए, फैक्ट्रीज उन कारखानों को ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज, कि वो अपने प्राथमिक कर्तव्य भी न निभाएं, यानी उनकी जो एलिमेंट्री ड्यूटीज बच्चों शुरुआती जरूरतें वो भी मतलब वो भी निभाने से सरकार उनको क्यों छूट देना चाहती, क्यों राहत देना चाहती है उन फैक्ट्रीज को, कौन सी ड्यूटीज को में बच्चों, सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इस चीज में सरकार कैसे उन्हें छूट दे सकती है कि वो मजदूरों को क्या उपलब्ध कराएं, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराएं, फर्स्ट एड बॉक्सेस, जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं उनके एक्सीडेंट्स वगैरह समय वो उपलब्ध कराएं, एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं वो उपलब्ध कराएं, इन चीजों से, इन एलिमेंट्री ड्यूटीज से इन कारखानों को, फैक्ट्रीज को सरकार आखिर क्यों रिलीफ करे बच्चों, क्यों इनको छूट देनी चाहिए, आर या सरकार को क्यों छूट देनी चाहिए कि सस्पेंड रिक्वायरमेंट्स, कि वो फैक्ट्रीज जो हैं बच्चों वो उन रिक्वायरमेंट्स को निलंबित करें, सच एज क्लीनलीनेस जो सफाई से संबंधित हैं, वेंटिलेशन वायु संचार से संबंधित हैं, लाइटिंग प्रकाश से उजाले से संबंधित हैं, कैंटीन्स अर्थात उनके खाने पीने के संबंधित चीज़ों से कैंटीन संबंधित हैं, रेस्ट रूम उनके आराम गृहों से संबंधित हैं, एंड क्रेसेस और शिशु गृहों, क्रेसेस बच्चों शिशु गृहों से संबंधित हों, इन सब चीज़ों में आखिर सरकार को उन फैक्ट्रीज को क्यों रिलीव करना चाहिए, अर्थात क्यों फैक्ट्रीज ये न करें, अर्थात इन फैक्ट्रीज का ये एलिमेंट्री ड्यूटीज है बच्चों, ये एलिमेंट्री ड्यूटीज हैं कि वो ये सब करें, क्या करें बच्चों, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें मजदूरों को ड्रिंकिंग वाटर प्रदान करना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स देना चाहिए उन्हें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षात्मक उपकरण देना चाहिए, और आखिर क्यों वो उन रिक्वायरमेंट्स को सस्पेंड कर सकती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स किन से संबंधित बच्चों, उन मजदूरों की क्लीनलीनेस से संबंधित, वेंटिलेशन से संबंधित, लाइटिंग से संबंधित, कैंटीन संबंधित, रेस्ट रूम से संबंधित, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों उन शिशु गृहों से संबंधित, ठीक है। चलिए बच्चों अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा आपने, और ये लास्ट मेरा सेगमेंट आपके सामने बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कुछ बच्चों ने कहा सर आपने बहुत अच्छा किया है ये करके, जिसमें लास्ट में आपने सारे वर्ड्स डाले हैं, तो देख लें अब हमने क्या पढ़े बच्चों, क्या हमें याद हो गया कि कंटेम्प्ट मीन्स क्या होती है बच्चों, तिरस्कार अनादर घृणा होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में आप देख सकते हैं, कोर्ट की अवज्ञा के रूप में। डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों, इस सेंस में यहाँ पर जब आप किसी के अधिकारों या किसी कानून वगैरह में हल्कापन ले आए, उसे कमजोर करने कार्य करें तो डाइल्यूशन होता है।
एग्जेम्पशन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में छूट प्राप्त करते हैं तो एग्जेम्पशन होता है। मूट क्या होता है, किसी चीज़ पर विचार करना या कोई विवादग्रस्त चीज़ें होती हैं वो भी मूटेड होती हैं आपकी। इंटरेस्ट यहाँ इस सेंस में क्या है बच्चों, हितों के सेंस में है। रिवाइवल क्या है बच्चों, किसी चीज़ का पुनरुज्जीवन, शुरुआत उसकी फिर से। इनएबिलिटी क्या है, अक्षमता किसी चीज़ की, एबिलिटी में इन जोड़ दिया गया। इक्विपमेंट क्या होता है, इसमें एस कभी ना जोड़िएगा, उपकरण औजार को कहते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य होता है। अमारल क्या है, अनैतिकता। परवर्ष कौन है, जो विकृत है, भ्रष्ट है। प्रोविजंस क्या है, वो प्रावधान। इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, प्रतिष्ठान को कहते हैं। एम्बार्क शुरुआत करना। वल्नरेबल जो आसानी से शिकार हो जाए, मीन्स जिस पर समय वगैरह या चीज़ें आसानी से अपना प्रभाव डाल सकती हों। वेंटिलेशन वायु संचार या हवादार चीज़ें। बूस्ट प्रेरित करना, तेजी ले आना। थ्रेट यहाँ पर चुनौती या खतरा, वैसे थ्रेट वर्क रूप में बच्चों धमकी देना भी होता है। अग्रेशन आक्रामकता। आर्डिनेंस अध्यादेश जो सरकार ले आती है। एबॉलिशन हमारे किसी रीत रिवाज या किसी प्रथा वगैरह का उन्मूलन, किसी कानून में कानून का उन्मूलन। वेजेस मजदूरी के सेंस में यहाँ पे है। इम्फेसिस जोर किसी चीज़ पर। क्रेसेज शिशु गृह बच्चों। कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति। असेंट मीन्स सहमति मंजूरी। परस्यू लक्ष्य रखना, किसी चीज़ का पीछा करना, अनुसरण करना। कंसोलिडेटेड मजबूत, कंसोलिडेट से बनाए, मजबूत बनाना। सेफ गार्ड्स सुरक्षा उपाय। एग्रीजियस जो चाहे घृणित हो, बिल्कुल बहुत खराब हो, शॉकिंग हो। अपैथी जब कोई भावना ही ना हो, उदासीनता। और माइग्रेंट मीन्स वो पलायन करने वाले मजदूर। ठीक है बच्चों, अपनी राय जरूर रखिए धीरे धीरे, ताकि मैं और बेहतर और सुधार कर सकूं। और फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे फिर, ठीक है। और 7 बजे से मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना, उसे तैयार करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस सेशन को जारी रखने के लिए, मुझे अपना समय देने के लिए। थैंक यू।